सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले टॉप 10 स्कूल रोमांस एनिमे के बारे में। इन एनिमे को देखने के बाद आप कभी हंसोगे, कभी रोओगे और बहुत सारा इमोशन फील करोगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो नीचे जो लाल वाला बटन है उसको फोड़ दो और फिर घंटी को भी फोड़ देना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, स्कूल रंबल। तो स्कूल लाइफ कभी सिंपल नहीं होती, और वो भी तब जब आपके हॉर्मोन्स आपके काबू में नहीं और आप अचानक किसी के लव में पड़ जाओ। ऐसा ही होता है हमारे एनिमे में रेडमा एंड हरमा के साथ। ये हर दिन कोशिश करते हैं कि अपने क्रश को बता दे कि ये उससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हमेशा कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है और अपने लव को कभी इतने जल्दी कन्फेस नहीं कर पाते हैं। और इसमें जो हरमा रहती है वो जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, और ऐसा ही सेम केस रेडमा के साथ में भी होता है। तो यार एनिमे को जाकर के देखना जरूर, तुम लोगों को पता चलेगा आखिर लास्ट में होता क्या है। नंबर 9, लवली कॉम्प्लेक्स। कभी कभी होता है ना कि आप किसी अपने से बड़ी साइज की लड़की या लड़के से प्यार कर बैठो, तो इसी टाइप का कुछ एनिमे है। तो एनिमे जो रहता है उसमें जो गर्ल रहती है वो थोड़ी सी ज्यादा ऊंची रहती है बॉय से, और इसकी स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। इसमें कई सारी प्रॉब्लम दोनों फेस करते हैं, अबका फलाना बहुत सारा कुछ होता है इसमें। अजीबो गरीब एपिसोड्स के बाद दोनों को लगता है कि वो एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर है, और फिर शायद वो अपना लव कन्फेस कर देते हैं। ये तुम लोग एनिमे में देखना कि आखिर वहाँ पे होता क्या है। तो बात करते हैं नंबर 8 की। तो नंबर 8 पे जो एनिमे है उसका नाम है पिसकोई। क्या तुमको लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत झंड है? और इमेजिन करो कि एक ऐसे बंदे की स्टोरी जिसमें आपका बाप गैंग का लीडर हो और वो गैंग इनफेमस हो, और ऐसा ही सेम केस उस गर्ल के साथ में भी होता है, तो ऐसा ही सेम केस हमारे बॉय के साथ में होता है। तो वो एक इनफेमस गैंग के बॉस का बेटा रहता है और वो स्कूल में पढ़ता है, और एक राइवल गैंग की एक गर्ल रहती है, और ये दोनों गैंग्स पीस के लिए, मतलब लोगों को सामने दिखाने के लिए कि ये दोनों पीस में है, तो इनके जो बेटा बेटी रहते हैं वो प्रटेंड करते हैं कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। सो इन दोनों को इससे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लव ट्रायंगल वाली प्रॉब्लम्स। पर इनको इस बात से भी बचना होता है कि कहीं इनका सीक्रेट किसी को पता ना चल जाए, और अजीब अजीब सिचुएशन से डील करना पड़ता है इन लोगों को। तो ये एनिमे भी देखना है, आपको बहुत मजा आएगा। तो नंबर 7 पे जो एनिमे है उसका नाम है द शिनोबियो एंड अदर डिल्यूजंस। तो एक ऐसा एनिमे रहता है जहाँ पे बच्चों को चिनोबिया हो जाता है, मतलब चिनोबिया है वो अपने आप को इमेजिन करते हैं कि आप किसी एक फैंटेसी वर्ल्ड में आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ उन बच्चों को ही दिखाई देता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि अपने हाथों में ऑटोमेटिक तलवार वलवार वाला आ जाना, ऐसा कुछ आर्टिफिशियल एक्ट को कलेक्ट करना। तो ऐसा ही हमारे बॉय के साथ में रहता है, लेकिन वो इन चीज़ों से निकल जाता है और अपने स्कूल को चेंज कर देता है, क्योंकि वो अपने स्कूल में ऐसे बहुत सारे कांड कर चुका रहता है कि उसका जो मतलब वहाँ पे जो इमेज रहती है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो वो स्कूल को चेंज कर देता है और दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाता है, और वहाँ पे वो अपनी इमेज बनाने की कोशिश करता है कि वो एक शिनोबिया नहीं है, उसको वहाँ कोई नहीं पहचानता है। वो जिस अपार्टमेंट में रहता है उसी अपार्टमेंट के ऊपर एक गर्ल रहती है जिसको शिनोबिया रहता है, और अब गर्ल के ऊपर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहती है जो कि आपको आगे एनिमे में पता चलेगा कि इस गर्ल्स के साथ और बॉय के साथ में एक मिस्ट्री रहती है जो बहुत पहले से जुड़ी हुई रहती है। तो वो लोग बस इमेजिन करते हैं, और ये बस थोड़ी बहुत इमेजिनेशन पे और बहुत सारी कॉमेडी पे और बहुत अच्छे रोमांस पर बेस्ड है। तो ये एनिमे को मिस मत करना। मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि ये एनिमे जरूर देखो, क्योंकि मैंने भी ये एनिमे 2 बार देखा है, एक बार जब ये रिलीज हुआ था शब में और एक बार अभी जब मैंने इसको डब में देखा है। नंबर 6, तो नंबर 6 का जो एनिमे उसका नाम है योर लाइन अप्रैल। तो इसमें जो एमसी रहता है वो बहुत अच्छा पियानो प्लेयर रहता है, यानी पियानो म्यूजिशियन रहता है, और वो अपने पियानो का काम थोड़ा छोड़ देता है और उसको छोड़ चुका रहता है। और ये एनिमे एक बहुत इमोशनल एनिमे, इतना इमोशनल कि आपको यार ये एनिमे देखते देखते हर 2 पल में आपको रोना आ जाएगा और हर 2 पल में हंसी आ जाएगी। ये इस टाइप का एनिमे है, तो ये एनिमे को भी जरूर देखना। सो अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 पे जो एनिमे है उसका नाम है माई लव स्टोरी। तो ये एक ऐसे पर्सन की कहानी है जो कि एक जेंटल पर्सन रहता है, पर वो शक्ल से जाइंट दिखता है, मतलब बॉडी वगैरह से वो एक जाइंट दिखता है, और उसकी पर्सनैलिटी भी किसी पुलिस की तरह होती है। तो सभी लोग जो उसके पास आते हैं वो सब उससे डरते हैं उसकी शक्ल देख के। लेकिन अचानक उसको एक लड़की मिलती है जो उसकी मसल्स और उसकी बॉडी को नहीं, उसको पसंद करती है। तो इन दोनों का रोमांस एक एग्जाम्पल है कि कभी भी बुक को उसके कवर से नहीं नापना चाहिए। तो यार ये एनिमे मेरे लिए मेरी बहुत अच्छी एनिमे, मैंने जब इसको देखा था ना मैं बहुत मतलब एक्साइटेड, इमोशनल, और थोड़ा सा वो अपन बोलते ना गले में कुछ भरा गया वाला, तो उस टाइप का हो गया था मेरे साथ। तो अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पे जो हमारे पास एनिमे है उसका नाम है
डोकेशिय क्लासमेट्स। तो यार ये एक रोमांस है कि ये बॉय बॉय वाली रोमांस एनिमे, तो अगर तुम इसको नहीं देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को 10 या 20 सेकंड आगे कर दो। सो हाई स्कूल लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है और इसमें अपने आपका सेल्फ और इसमें आपकी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन दिखती है। तो स्कूल लाइफ हमारे जीवन की एक बहुत अच्छी मेमोरी होती है जिसको मैंने तो खो दिया, पर आप लोग मत खोना क्योंकि मेरे स्कूल्स खत्म हो गए। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो ना तो ये आपके बेस्ट डे यार, इनको कभी तो जो इसमें हीरो था रहता है वो अपना टाइम अपने ग्रेड्स को परफेक्ट लगाने में करता है और एक बहुत मेहनती और बहुत पढ़ाकू बच्चा होता है, और इसमें जो हीरो को रहता है वो अपने गिटार को मतलब अपनी गिटार की स्किल्स बढ़ाने में बिजी रहता है हमेशा, और ये दोनों बॉय एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं धीरे धीरे। ये दोनों एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांस स्टोरी है, तो इसे भी यार अगर चाहो तो देख सकते हो। नंबर थ्री, तो नंबर थ्री पे जो एनिमे है उसका नाम है किमी नी तोड़ोके। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट होते हैं लेकिन इन दोनों की जो केमिस्ट्री रहती है वो बहुत अलग रहती है। जब भी अपने से बात करने की कोशिश करते थोड़ा एंग्री वाला मूड बन जाता है, क्योंकि जो इसमें बॉय रहता है वो एक पॉजिटिव पर्सन रहता है और जो हमारी गर्ल रहती है वो एक बहुत ही क्रीपी घोस्टली और नेगेटिव पर्सन रहती है, या फिर मैं बात कहूँ कि वो एक क्रीपी फीमेल विलन जैसी रहती है। तो बॉयज तो इसमें जो बॉय रहता है वो बहुत पॉपुलर रहता है गर्ल्स के प्रति और बॉय की एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी रहती है, पर दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे प्यार करने लग जाते हैं और दोनों की लाइफ में बहुत अजीब से सीन्स आते हैं जिसमें वो अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं कि उनकी लाइफ कितनी टफ है वगैरह वगैरह। तो बात करते हैं नंबर टू की, तो नंबर टू पे जो एनिमे है उसका नाम है क्लैनेट। तो ये एनिमे भी कभी आपको हंसाएगा, कभी आपको बहुत सारा इमोशन फील कराएगा और कभी कभी तो ये आपको रुला देगा। तो इसमें जो बॉय रहता है वो अपने डेज को वेस्ट करता रहता है, अपने स्कूल डेज को, और अपने क्योंकि वो अपने क्लब से अपने क्लब को खो देता है तो वो स्कूल को नहीं जाना चाहता। तभी उसको एक अचानक लड़की मिलती है और वो उसको स्कूल जाने की इंस्पिरेशन आ जाती है। वो लड़की उसको मोटिवेट करती है कि वो अपने ड्रामा क्लब को फिर से स्टार्ट करे और दोनों के बीच में वो रोमांस वाला सीट डल जाता है। तो यार ये रोमांस स्टोरी बहुत अच्छी है, तो इन दोनों में बहुत अच्छा तालमेल होता है। तो यार ये दोनों अपनी पूरी सीरीज में अलग अलग टाइप के पेन इमोशन फील करते हैं। तो यार ये एनिमे देखने लायक एनिमे, अगर आपने ये एनिमे नहीं देखा है तो यार जरूर देखो। सो बात करते हैं नंबर वन, तो नंबर वन पे जाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज एक वीडियो डालते हैं जो कि एक एनिमे रिव्यू वीडियो या फिर एक एनिमे रिकमेंडेशन वीडियो या फिर किसी एक अनदर टॉपिक पे वीडियो होता है। तो हमारे पास जो नंबर वन पे एनिमे है उसका नाम है टोराडोरा। सो इसमें जो बॉय रहता है उसकी फेस जो रहता है वो किसी पुली की तरह दिखता है, तो कोई भी गर्ल उसके आसपास आती है या कोई भी आता है तो वो उससे डर जाता है। यहाँ तक कि जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है सब सारे स्कूल वाले भी उससे डर जाते हैं, और जो हमारी गर्ल रहती है वो तो ऑलरेडी एक बुली रहती है। तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और दोनों की मतलब जो और दोनों की स्टोरीज बहुत डिफरेंट रहती है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनका तालमेल कभी नहीं बैठता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ में रहेंगे यह आपको एनिमे के बीच में पता चलेगा जब वो किसी एक चीज के लिए प्लान बनाते हैं जिसमें वो लोग साथ में रहते हैं, और फिर आपको ये आपको एनिमे में पता चलेगा कि वो क्यों साथ में रहते हैं। तो यार किसने सोचा था कि टाइगर और ड्रैगन में समझौता हो जाएगा। तो ये एनिमे वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक स्कूल एनिमे है ऑफ ऑल टाइम। तो थैंक यू गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली तुम लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा।